खबर है पूरे संथाल परगना से। सांसद बोले हर हिंदू को राम मंदिर निर्माण में करना चाहिए सहयोग। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ एवं अन्य हिंदू संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सिरसनाथ मंदिर परिसर में बैठक आयोजित कर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण कार्य के लिए निधि संग्रह अभियान को लेकर बैठक की गई। इसमें राष्ट्र स्वयंसेवक संघ जमा के अलावा विभिन्न हिंदू संगठनों व सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। बैठक में जानकारी दी गई कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विभिन्न संगठन से राम मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की। मंदिर निर्माण में हर गांव, पंचायत, प्रखंड, घर व व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। आरएसएस के जिला कार्यवाहक प्रमोद कुमार ने की श्री राम भारतीय जीवन दर्शन के प्रतिबिंब स्वरूप है। मंदिर निर्माण के लिए धन की कमी नहीं है, लेकिन श्री राम हमारे आस्था एवं भारतीय सांस्कृतिक सनातन परंपरा से संवाहक हैं। इनसे सभी भारतीयों की आस्था जुड़ी है। संगठन मजबूती को लेकर संथाल परगना का दौरा करेंगे बाबूलाल मरांडी। दुमका उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी शिकस्त के बाद भाजपा के रणनीतिकार अब नए सिरे से ताना बाना बुनने की फिराक में हैं। भाजपा राजनीतिकारों की मानसा खास तौर पर संथाल परगना के उस आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले करने की है जो झामुमो के सबसे मजबूत होने का कारण है। भाजपा को दुमका उपचुनाव के आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी कर पुनर्वापसी की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कर पाने में सफलता हाथ नहीं लगी। सो अब नए सिरे से कवायद की जा रही है कि इसके लिए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी को खासतौर पर संथाल परगना में पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी को खत्म कर संगठन को मजबूत करने की कामना सौंपी गई। संगठित दृष्टिकोण से पार्टी के दुरुस्त करने के लिए 15 से 23 दिसंबर तक बाबूलाल मरांडी संथाल परगना के सभी 6 जिलों का दौरा करेंगे। इसको लेकर रविवार को दुमका परिषदन में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा की अध्यक्षता में संथाल परगना के 6 जिलों के अध्यक्षों की बैठक हुई। संथाल परगना में पार्टी संगठन को मजबूत बताने और आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियों को तेज करने की तैयारी है। बैठक के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी खासतौर पर संगठन मजबूती को लेकर 15 से 23 दिसंबर तक संथाल परगना के सभी जिलों में पार्टी के अलग अलग मोर्चे के संग बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। नाला क्षेत्र में किसान 1200 रुपये प्रति क्विंटल बेच रहे हैं धान। उद्योग विहीन नाला क्षेत्र में किसानों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। इसे साल भर उनका घर बार चलता है। किसानों का परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाना, इलाज लेकर बेटी बेटा का शादी विवाह का खर्च धान के भरोसे होता है। पर विडम्बना है कि किसानों को धान की खेती करने के बाद किसानों को धान का सही दाम नहीं मिल पाता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति दिन व दिन कम होती जा रही है। इस बार का हाल यह है कि कुछ दिन किसान सरकारी धान का क्रय केंद्र में धान लेकर पहुंचे हैं, उनका धान रख लिया गया है, पर पैसा कब मिलेगा पता नहीं। ऐसे कुव्यवस्था से किसान मायूस है, जबकि अधिकांश किसान सरकारी समर्थन मूल्य से आधे से कुछ ज्यादा कीमत पर धान बेचने को विवश है। नाला में एक धान क्रय केंद्र है, लेकिन विभागीय व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से किसान परेशान है। किसान के मन में यह सोच है कि सरकारी केंद्र में धान बेचेंगे तो कब राशि मिलेगी पता नहीं। सरकार ने 48 घंटे में धान लेने के बाद राशि देने की घोषणा की है, पर कब मिलेगी यह सबको पता ही नहीं चल पा रहा है। विवश होकर तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे के हाथ में 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल धान बेचना पड़ रहा है। बिजली विभाग थाम रहा है 20 से 50 हजार का बिल। यह खबर है देवघर से। बिजली विभाग के मनमाने रवैये से त्रस्त मधुपुर व देवीपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के 200 से अधिक उपभोक्ताओं ने रविवार को पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कैलाश दास, पंचनाम दास, शंकर दास, छत्ती दास व अन्य लोग 5 सालों से बिजली उपभोक्ता है। अचानक विभाग द्वारा 20 से 50 हजार रुपये तक का बिल थमा दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं का बीपीएल एवं एपीएल होने के बाद विपत्र 50,000 से अधिक भेजा गया है। अवैध खनन व परिवहन पर पुलिस बरते सख्ती, एसडीपीओ बोले।
यह खबर है गोड्डा से। गोड्डा स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में SDPO आनंद मोहन सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इसके साथ अपराध नियंत्रक, फरार चल रहे वारंटी की गिरफ्तारी सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान SDPO आनंद मोहन सिंह ने कई दिशा निर्देश दिए। कहा कि क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण व अपराध नियंत्रण पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी थानेदार व निरीक्षक कार्रवाई करें। फरार चल रहे वारंटी की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ आपराधिक और असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर नजर रखते हुए कठोर निरोधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कहा गया कि क्षेत्र में खनिज संपदा बालू कोयला के अवैध खनन व परिवहन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस व खनन मिलकर संयुक्त अभियान चलाएं। यह खबर है पाकुड़ से। विशेष शिविर में 8000 लोगों की कोरोना जांच हुई। पाकुड़ DC कुलदीप चौधरी के निर्देश पर रविवार को जिले के सभी प्रखंड में विशेष अभियान चलाया गया। COVID-19 की जांच की गई। स्वास्थ्य टीम ने सभी का एंटीजन RT-PCR एवं ट्रूनेट के माध्यम से COVID-19 की जांच की गई। सुबह से ही जिले में बनाए गए सभी सेंटर पॉइंट पर लोग शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए कतार में लगकर शुरू हो गए। सेंटर पॉइंट भी चिकित्सक व अन्य मेडिकल टीम शारीरिक दूरी का अनुपालन कर जांच की गई। देर शाम तक करीब 8000 लोगों ने जांच की। यह खबर है साहेबगंज से। मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में लाए तेजी। उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रखंड में संचालित सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में शनिवार को मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने प्रखंडवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निबंधन व स्वीकृति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य के लिए सभी प्रखंडों को मिले लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध हुई प्रगति की जानकारी ली। सभी को वर्गीय रिपोर्ट देने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंडवार लंबित आवासों के निबंधन कार्य को निहित समय में पूर्ण करने का भी दिशा निर्देश दिया। बताया कि बड़हरवा प्रखंड में अनुसूचित जाति के 169 व अनुसूचित जनजाति के 141 लाभुकों को आवास स्वीकृति दी गई है। बोरियो प्रखंड से 1144 लाभुकों का निबंधन किया गया है। मंडरो प्रखंड से 586 लाभुक का आवास स्वीकृत किया गया है। मनरेगा की समीक्षा में बताया गया कि बोरियो प्रखंड के नवंबर तक PD जनरेशन ने पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति की है। राजमहल, बहरेट एवं पतना को अधिक योजना लेने एवं विस्तार करने का दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में मानव दिशा सृजन, रेन और हार्वेस्टिंग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आंगनबाड़ी प्रखंड कार्यालय, CHC एवं विद्यालय में अन्य योजनाओं को लागू करने का दिशा निर्देश दिया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।